कुवैत के मंगाव शहर में एक भयानक अग्निकांड ने हड़कंप मचा दिया है। इस हादसे में 40 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में 50 से अधिक मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें करीब 190 से ज्यादा मजदूर रहते थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय थे। इस बिल्डिंग में सुबह 6 बजे के करीब आग लगी। आग की शुरुआत बिल्डिंग की छठी मंजिल के रसोई से हुई। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग से बचने के लिए कई भारतीय मजदूर इमारत की 5वीं मंजिल से कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैती प्रशासन से अपील भी की है कि इस हादसे में मारे गए लोगों के शवों को जल्द से जल्द भारत भेजा जाए। खबर के मुताबिक अधिकतर पीड़ित जल गए हैं। कुछ बॉडी इस कदर जल गई है कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट चल रहा है। जैसे ही बॉडी की पहचान हो जाएगी उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया जाएगा और बॉडी को भारतीय वायुसेना के विमान से भारत लाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि हताहत हुए भारतीयों में ज्यादातर केरल के हैं। ज्यादातर लोगों की मौत धुएं से दम घुटने की वजह से हुई है। हादसे के वक्त वो सभी सो रहे थे। बता दें कि कई लोगों को बचा भी लिया गया है। इमारत में एक ही कंपनी के 195 मजदूर रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में अधिकतर केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारतीय राज्यों के भारतीय नागरिक शामिल हैं, जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच थी।